Hey guys, good morning and welcome to my new vlog by with Anshu Roy. So it's completely, morning 5:30 a.m. and I'm just going for the safari. So यहाँ पे सुबह सुबह मंकी भी दिख गया भाई. तो सफारी के लिए लेट हो रही हूँ, रेडी हो गई हूँ. एंड इट इज़ माई सोलो सफारी. आई बुक इट फॉर अलोन कम्प्लीट जीप. आई डिड नॉट वॉन्टेड टू शेयर विद एनी वन. सो चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है. एंड फिर मिलते हैं आपसे. आप भी इंजॉय करो सफारी मेरे साथ. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. गाइस दिस इज माई जीप एंड मैं अकेले हूँ तो आगे बैठती हूँ क्योंकि ठंड भी है बाहर. सो 1300 स्क्वायर 1300 स्क्वायर किलोमीटर किलोमीटर इतना ज़्यादा लैंड है. ओके सो गाइज हम निकल चुके हैं सफारी के लिए. नहीं देखो मॉर्निंग कितना 6 o'clock हो गया ना. नहीं 6:30 हो गया. हम थोड़े लेट हो गए. हाँ अच्छा 6:40 में गेट है. ओके सो ये है कंप्लीट जंगल. काफ़ी डेंस है. एंड ये हमारा प्रॉपर जीप. गेट है आम डंडा गेट बिजरानी रेंज. यहाँ पे सारी वैन एंटर होंगी और यहाँ पे आपको अपनी आईडी भी दिखानी होती है. सो सुबह सुबह लेट हो गए हम थोड़ा सा बट ज़्यादा नहीं. और देखते हैं क्या मिलता. और ये यहाँ पे सेल आउट भी कर रहे हैं. किसी के पास कैप नहीं है, टेलीस्कोप नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बाय कर सकते हो. एंड ये सारे क्या लोग वेट कर रहे हैं किस चीज का. ये गाइड है सारे. अच्छा गाइड है. अच्छा हमारे गाड़ी में भी आ गए गाइड. ओके सही है. गाइज मैंने ये टेलीस्कोप रेंट पे ले लिया है एंड इट कॉस्टेड ओनली 100 रुपीज. एंड यहाँ पे स्टिल हम सब वेट कर रहे हैं. यहाँ से सारी गाड़ियों की परमिट लगती है, आईडी कलेक्ट करते हैं. इस टाइप से यहाँ का प्रोसेस है. सो ये अच्छा अच्छा जो जो गाड़ी अंदर जा रही है वो वापस आ भी नहीं रही है इसका रिकॉर्ड रखने के लिए ना. ओके हमारा गाइड कहाँ है. अच्छा ये आप हो गाइड. गाइस यहाँ पे हम एंटर करते ही जंगली पीकॉक दिख गया. इतनी खूबसूरत लग रही है. मैं चला गया फिर नो मोर. वी हैव स्पॉटेड डियर. चलो बढ़िया. एंटर करते ही साथ बहुत कुछ दिख रहा है. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. जस्ट फिंगर क्रॉस गाइस, जस्ट फिंगर क्रॉस. ओके लेकिन उसके बावजूद भी लगातार टाइगर जो है बढ़ रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ रही है. और इस बीच हम बहुत सारे पर्यटक भी जो टाइगर देख रहे हैं मनमोहित होते हैं, देखकर खुश होते हैं. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है. और टाइगर की संख्या बढ़ने के कारण जो है वो अक्रोश हो रहा है यहाँ के मानव संघर्ष और उसके बीच चल रहा है. और टाइगर लगातार क्या किया जाए. सही है सही है. सो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइगर की ये बर्थ ज़्यादा होने लग गई है कह सकते हैं हम एक जनरल लैंग्वेज में, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा टाइगर नहीं थी जैसा ये हमारे गाइड बता रहे हैं. और काफ़ी यहाँ पे मिस हैपनिंग्स हो रही हैं. सो कोशिश तो यही है कि वो टाइगर पकड़ में आए जो एक्चुअल में लोगों को किल कर रहा है. बट देखते कब पकड़ में आती है. एंड अभी हम लोग स्पॉट करते हैं कि टाइगर हमें मिलती है नहीं. सो इट्स ऑल बाई लक लग भी कह सकते हैं और टाइगर का मूड भी कह सकते हैं कि वो कब हमें दिखने को खुद को दिखाने को रेडी होती है. सो ये सारी चीज़ें हैं. जी पिछले दिनों अभी जो टाइगर था लोग गर्जिया मंदिर जा रहे थे, एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहे हैं जिनको सडन उसके नॉलेज से सामने से ही टाइगर क्रॉस हुआ. और देखकर भी लगा और हालांकि टाइगर ने कुछ कहा नहीं, सडन क्रॉस कर गया. इस तरह की टाइगर की संख्या जो बढ़ रही है उसके संकेत हैं ये आप लगातार. गर्जिया मंदिर के पास आना तो टेम्पल के नजदीक उसका वीडियो वायरल हुआ. लोगों ने देखा और कहा कि टाइगर की संख्या बढ़ी है. ये उसने किसी को हार्म नहीं किया लेकिन नहीं नहीं हम ऐसे टाइगर कभी हार्म नहीं करता क्योंकि हम लोग टाइगर की फूड चेन में नहीं आते. तो इसीलिए टाइगर ऐसे कभी भी हार्म नहीं करता. टाइगर कभी भी अटैक करता है तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में करता है. या फिर टाइगर जब बूढ़ा हो जाता है उसके कैनाइन घिस जाते हैं तो वो मैनेज
काटने जाती हैं यहाँ की गांव की जो महिलाएं होती हैं, तो जैसे ही झुकती हैं ग्रास काटती हैं, तो टाइगर थिंक कि ये कोई एनिमल है और उस परिप्रेक्ष्य में कई बार ऐसे हादसे होते रहते हैं। क्या दिख रहे हैं ये? चेंजेबल, सॉरी, ये सरपेंट ईगल हो सकता है। सरपेंट ईगल, ओके, सही है। चलो भैया चलते हैं कुछ और भी कवर। अभी तक तीन चीज हमने देख लिया, तीन और डियर्स आपके सामने हैं। अच्छा, ये सब कितना क्यूट सा है। कॉमन लंगूर, इसको लोग जो है ना फॉरेनर्स देख के बड़े खुश होते हैं। हाँ, बड़े उससे कहते हैं वाह व्हाट अ सेक्सी मॉन। सही, डियर कितना ज्यादा प्यारा है। हाँ, इसका फेस दिख जाएगा ना, कितना खूबसूरत है। मानसून रिवर, जी हाँ, मानसून में बहुत पानी। तो हम यहाँ पे नहीं जाते हैं क्या? लाइक बरसातों में बंद हो जाता है ना ये? नहीं, मतलब अगर किसी को पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाने तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, उतर नहीं सकते। ओके, मानसून में ये सब ट्रैक जितने भी हैं सब बहे जाते हैं, फिर जो है हर साल उसको। अच्छा, यहाँ पे वाटर भी आ ही जाता होगा ना? ऑब्वियसली यहाँ पे पानी है पूरा। ओके नाइस, भी है लाइक ये सारे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सारे दिल्ली वालों का ही क्राउड है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है, कितने प्यारे प्यारे माउंटेन्स हैं। यहाँ के स्टोन्स मुझे बहुत पसंद है, ये स्टोन्स पेबल्स ना, आई रियली लाइक दैट। वाओ, दिस व्यू इज नाइस। वापस भी हम इधर से आएंगे ना, तो दिन हो जाएगा तो हम। हाँ, यहाँ भी डियर है, सही है। गेस्ट हाउस इन लोग का जी, सामने गेस्ट हाउस। तो ये कुछ करते नहीं है डियर? नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोलते। अच्छा, कुछ नहीं करते? ये सामने आप कर सकते हैं, मौसम वगैरह जाना है तो जाके आइएगा। ओके, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, डन। गाइस, यहाँ पे थोड़ी देर आप रुक के यू नो फ्रेशन अप हो सकते हो। कुछ खाने को तो दिख नहीं रहा वैसे, और सारे यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। सो चलते हैं थोड़ा सा यू नो, और यहाँ पीछे आपको चाय मिल सकता है। और ये देखो पूरे गेस्ट हाउस यहाँ बने हुए हैं। ठंडी लग रही है गाइस, मैंने ग्लव्स नहीं पहना और मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी ठंड लगेगी, बट यस इट्स कोल्ड एंड टाइग्रेस। सो चलो गाइस, चलते हैं वॉशरूम में। यहाँ पे चाय मिल रही है, सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं इस टाइप से। ये सामने देखो, ये सामने, ओ वाओ, इंडियन होप्पो। इंडियन होप्पो, इंडियन होप्पो कहते हैं इसे। अच्छा, ये हॉप भी कर रही है इसलिए इंडियन होप्पो। चलो बढ़िया। सो ये यहाँ का व्यू, ये जो बना है 1928 में बना है। अच्छा, ब्रिटिश टाइम का है ये। ओके, स्टे कर सकते हैं, इसकी बुकिंग सब ऑनलाइन। अच्छा, इसकी बुकिंग होती है बिजरानी गेस्ट हाउस, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। ओके, यू कैन स्टे ओवरनाइट ओवर हियर। ओके, इट्स मेड बाय ब्रिटिश 1928। चार रोड में। और देखो यहाँ की जंगल कितनी ज्यादा खूबसूरत है। साल फॉरेस्ट है, लेकिन कुछ जगह पे आप जामुन के पेड़ भी देखेंगे। अच्छा, ओके। और इसमें ज्यादातर कई बार टाइगर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, डीप फॉरेस्ट है। होपफुली हम कहीं कोई अलार्म कॉल हमें मिले और हम टाइगर को देखने में सक्सेस हो जाएं। बस ऐसी यही चाहते हैं हम। मैडम को लेकर चल पड़े। हाँ हाँ, यहाँ कोई जानवर होता और हम स्पॉट करते हैं। सही है, मैंने आपको बताया। अभी तक तो और कुछ नहीं दिखा गाइस हमें, वी आर जस्ट हंटिंग। व्हाट अ व्यू, हाँ, ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट वाओ। ये सामने सनलाइट, या सो ब्यूटीफुल। फुटप्रिंट आप देख रहे हो ना, ये एलिफेंट के हैं। अच्छा, किधर गया भाई? लगता है वो टर्न कर गया क्योंकि आगे तो नहीं दिख रहा। देखो ये है हमारे घर।
गार्ड भैया जो हमें प्रॉपर गाइड कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट होपिंग कि टाइगर स्पॉट हो। यस, इतना खूबसूरत जंगल है। टाइगर के मार्क से देखो ये पंजे मारा है। ओह माय गॉड, टाइगर यहाँ से गया है सीरियसली। गाइस मूवमेंट तो है टाइगर की, बट हमें समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली टाइगर है कहाँ। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्पॉट बट नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ी जंगल है और टाइगर की अपनी किंगडम है। सो हमारा बस नहीं चलेगा यहाँ पे। वाओ द व्यू, फील द व्यू गाइस। शेड ऑफ जंगल है ना, देखो आप नीचे कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर वाओ ये देखो ये वाओ। ये है चीतल रोड, यहाँ पे जनरली टाइगर की साइटिंग हो जाती है। एंड ये देखो गाइस कितना डेंस जंगल है, कितना खूबसूरत लग रहा है। लिटरली जंगल की एक अपनी ही स्टोरी है। जंगल भी कुछ कहता है, जब जंगल कुछ कहता है तब हमें समझ आती है और उसकी समझ को हम फिर पकड़ के हम एनिमल को देखते हैं। ओके, है ना, वी आर जस्ट डिपेंडेंट अपॉन अनदर एनिमल सो दैट वी कैन हियर देम एंड फॉलो देम। सो वी आर जस्ट वेटिंग टू हियर एनीथिंग, बी इट फ्रॉम मंकी और फ्रॉम एनी अदर एनिमल। द डियर्स, सम्बर डियर्स मोस्टली कंफर्म कॉल। ओके, ये रोहिणी है, इसको रोहिणी कहा जाता है, रोहिणी का पेड़ है, रोहिणी का पेड़ है और इसका सिंदूर बनता है, सिंदूर बनाया जाता है मोस्टली। इसका जो गर्मियों में सीट आती है रेड कलर की, उसके ऊपर जो कवर होता है हाँ। वो रेड कलर का होता है। कहते हैं भगवान राम और सीता जी को जब वनवास हुआ था हाँ। तो सीता माता जो थी वो नेचुरल सिंदूर उसको यूज किया करते थे। ओके, और ये हाथी का फेवरेट फूड है। अच्छा, हाथी बड़े शौक से इसे खाता है और इसीलिए हाथी को भी भगवान ने ऐसी एक बुद्धि दी हुई है हाँ। कि उसे जो है जंगल का गार्डनर कहा जाता है, वो केवल इसको पूरा नहीं खाता, इसकी ब्रांचों को तोड़ते जाता है। ओके, आधे आधे ब्रांच खाते हुए जाता है। ओके, ताकि वो अगली बार जब आए तो फिर वापस ही अपनी ब्रांचेज और पेड़ बड़ा हो जाता है। ओके, मतलब लॉपिंग करते हुए जाते हैं। ओके जी, तो इसकी ये खासियत है। पहले टाइम पे क्या होता था, आज के टाइम पे तो महिलाएं बिल्कुल सिंदूर नहीं लगाती हैं हाँ। बट उस टाइम पे क्या होता कि बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे हाँ। तो एक भाभी होती थी, चार पांच भाई होते थे हाँ। तो जो माता जो भी भाभी होती थी वो बहुत सिंदूर लगाया करती थी, पूरी मांग कर हाँ, दिया हाँ, करते हाँ। थे, ताकि वो उसका माथा ठंडा रहे और पूरे परिवार को अच्छे से रोटियां बना के खिला पाए। ओके, इसीलिए तो हाथी से इसलिए खाना। और आजकल की लड़कियों को शांति पसंद नहीं, इसलिए वो सिंदूर नहीं लगाती है। और हाथी इसलिए उसको ज्यादा, इसलिए रोहिणी के सारे पत्ते यहाँ दिख रहे हैं अभी भी।
भी सिंदूर लगाया जाता है कभी कभी, है ना, ताकि वो भी थोड़ा शांत रहे। वो खाता है इसको और वो, हाँ वो खाता भी है, लेकिन जब वो वायलेंट क्रिएट करता है वायलेंस तो कुछ एक्स्ट्रा ही कर देता है। महिलाओं का भी तो ऐसा ही होता है, कितना भी सिंदूर लगा लें जब वो अपनी एक्शन में आती है ना फुल टू, आपको पता ही है क्या बोलना है। हाँ सही बात है। आप आए हो और इतना कुछ बता रहे हो हमें, थैंक यू सो मच। चलो देखते हैं गाइज और क्या हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अभी तो हम लीव्स के बारे में भी स्टडी कर लिए है, कुछ एनिमल्स भी देख लिया हमने। सो पता नहीं एनिमल में, जो हम बिग एनिमल की बात कर रहे हैं वो कितना दिखता है, बट वी कैन ओनली होप इट्स नॉट लाइक श्योर सर्टेन कि मिल ही जाएगा और दिख ही जाएगा। सो लेट्स सी स्विंग अक्रॉस वाइल्ड बोर, अब देखिए। ओह माय गॉड, दो दो है। हाँ दो दो है, यस जी, ये पिग ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा, वाइल्ड है। इसे जंगली सुअर कहा जाता है हिंदी में। हाँ। और वाइल्ड बोर ये हमेशा रूट्स वगैरह खाता है, लेकिन ये ओके ये और तो... कई बार ये टाइगर से भी फाइट कर लेता है। हाँ खतरनाक तो होते हैं। ये देखिए, ओह माय गॉड क्या व्यू दिया है इसने। थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करें, सामने आप देख रहे हैं वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर जी टाइगर से फाइट करता है कई बार, लेकिन सुबह के टाइम पे इसको अक्सर नींद जैसी आने को होती है तो ये खा रहा है। ये रूट्स वगैरह अपनी जो जड़ियाँ होती है इसमें, और ये देख भी रहा है हमें। ओह माय गॉड हमसे डर के भाग रहा है। ओह कितने दौड़ के भाग रहा है ये, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें, बस तुम हमें कुछ मत करना, ये वाला सीन है। ओह वाओ क्या व्यू है, बाय बाय। अरे भाई तू फोटो खिंचवाना चाहता है क्या? जंगल का मजा ही कुछ और आ रहा है, और मैं सजेस्ट करूँ कि लोग ग्रुप में आते हैं सफारी करने के लिए, आप अकेले आओ जैसे मैंने करा ये सोलो वाला ट्रैवल। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है, यू नो लाइक अकेले, और आपको बहुत ज़्यादा यू नो लाइक देखने में भी अटेंशन मिलता है, ऐसे लोग बातें करते रहते हैं तो समझ नहीं आता कि जंगल देखे या बातें सुने। तो यहाँ सिर्फ अपनी गाइड की सुनो और इसका जंगल को एक्सप्लोर करो, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड भैया ये कौन सा गेट है आप बता दो, डियर दिख गया हमें, भैया कैमरा देखो पीछे घुमाओ, वो देखो वो कितना प्यारा दिख गया। ओह माय गॉड दिस इज द नाइस व्यू, भैया कैमरा दो। ओह माय गॉड वी आर लकी, वी कांट से वी आर नॉट लकी, कहीं भी जा रहे कुछ ना कुछ हमें दिख जा रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग, बस टाइगर मिल जाए। कितना चीरफाड़ कर रहा है भाई, इसको पोस्टमार्टम कर दिया। इसको जो है अक्सर खाता है ना हाथी, हाँ। तो उसका इंडाइजेशन जब कभी होता है, हाँ। तो उसके लिए इसकी बात को खाता है, इंडाइजेशन के लिए, मतलब मतलब डॉक्टर भी है हमारा हाथी। पैरासाइट आप देख रहे हैं, तो ये पेड़ देख रहे हैं आप लोग, बेनियन पैरासाइट, ओके दूसरे पेड़ को किल कर लेता है ये। अच्छा, और जो दूसरा पेड़ होता है अंदर वाला उसको खा लेता है। अच्छा, अपनी ग्रोथ सामने स्पॉटेड डियर अगेन, ओ माय गॉड टू मेनी डियर्स गाइस, एक सेकंड, ओ माय गॉड गाइस सी, बहुत सही है, सही है सही है, तीन चार पांच छह ग्रुप में ही ना, पूरा ग्रुप में ही द ग्रुप ना, ओह माय गॉड झुंड में चलते हैं ना ये, और एवरी काइंड्स ऑफ डियर दे हैव अ हॉर्न दैट इज द मेल, गाइस सी दैट विदाउट हॉर्न इज फीमेल ना, विदाउट हॉर्न इज फीमेल ना, इट्स यस 1 2 3 4 5 6 7 8 antlers, 9 no? 10 दे आर नॉट बिलोंग टू द एंटलर्स, एंटलर्स यस, ओके सही है यार। Jungle today, so that's a very new thing I'm doing. And though earlier also I have done this safari, but aaj ki safari bahut special hai,
एंड ऑब्वियसली आप लोग भी साथ हो, सो ऑब्वियसली ज़्यादा स्पेशल हो गैन. हमारे इतने प्यारे गाइड, इतने प्यारे भैया हैं, सो बहुत अच्छे से अकोमोडेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सो मज़ा आ रहा है गाइज. क्या ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. यहाँ जो सांस लेने में ना बिल्कुल भी जो मज़ा है ना, अलग ही है. जो सुकून सा मिल रहा है गाइज, सुकून सा मिल रहा है. जंगलों के बीच बाइक किसने लगाया जंगल में? किसकी इतनी हिम्मत? यहाँ पे तो एक गीत बनता था, आ ही रही है खुशी है. भैया बाइक किसने लगाया? यहाँ के फॉरेस्ट जो कर्मचारी हैं, और वो लोग यहाँ पे अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं. इसीलिए अब जो व्यू आ रहा है गाइस, मैं दिखाती हूँ. ये देखो कितना खूबसूरत सा व्यू है. ये मस्त सा व्यू है, मस्त सा. देख लो. सो गाइज, ये देखो, हम बीच जंगल में रुके हुए हैं. ये है हमारे भैया जो हमें अकोमोडेट कर रहे हैं. अपना नेम बताओ भैया, फेस तो दिखाओ. सो ये है प्रकाश भैया, और ये आशीष, क्या बोला था, मुकेश, सॉरी. हाँ, सो हम लोग सारे तीनों मिलके स्पॉट करने पे लगे हुए हैं. मिला अभी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं दिखा है. छोटी 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 चीजें हम देखे, अच्छे प्यारे प्यारे बर्ड्स भी देखे, बट जस्ट थोड़ा सा और हम जो सोच रहे थे कि वो देखेंगे टाइगर, उसके लिए हम प्रयास अभी भी कर रहे हैं. होपफुली कि हम लोग कहीं पे देखेंगे. ठीक है. और अभी किसी एक पार्टी को शायद अभी टाइगर दिखा है, लेकिन टाइगर वहाँ से अंदर की ओर चला गया है. चलो, तुम प्रयासरत हैं. ठीक है गाइस, बने रहिए. हमारी हो चुकी है सफारी, एंड बहुत ही अच्छी रही. दो हमें टाइगर नहीं मिला, क्या पता आगे मिल जाए. वापस हम जा रहे हैं, एंड ये है हमारे स्वीट से, और ये भी. हेलो. बिल्कुल, ये हमें अच्छे से यहाँ पे लाइक घुमाया, बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाया. सो आई होप आपको भी हमसे मिलके अच्छा जी, लगा. बहुत अच्छा लगा. अंशु बहुत अच्छी लड़की है, और बड़ा अच्छा लगा. बहुत खुशी हुई कि ऐसी लड़की आज भी ऐसी हैं. बहुत अच्छी विचार, बहुत अच्छे लगे. थैंक यू. इवन आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू. इनकी स्टोरी सुने सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड इज वेरी इंस्पिरेशनल टू अदर्स. एंड कहते हैं ना, वन आप बिल्कुल एक वन मैन आर्मी वाले हो. Thank जो you, आप अपने अच्छे से अपने बच्चों को ध्यान रखो. एंड यस, ये भी बहुत अच्छे से. नमस्ते. सो चलो गाइज, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं फ्रॉम द जंगल ऑफ जिम कॉर्बेट. सो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करो. मिलते रहिए मुकेश रत्नाकर. बाय बाय गाइज, बाय, लव यू ऑल. पास से दिख रहे हैं, और ऊपर ही देखो कितना प्यारा सा लंगूर बैठा है. कॉमन लंगूर. ओए होए, खा रहा है क्या? खा रहा है ये? ये हरण बहेड़ा होता ना, ये हरहर बहेड़ा. हरण बहेड़ा जो त्रिफला चूर्ण बनता है. अच्छा अच्छा, उसमें का ही एक. बाय, टेक केयर. टेक केयर, यू टू.